देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस नेता चिदंबरम को अदालत से नहीं मिली कोई राहत, अब चिदंबरम की मुश्किलें और बढ़ी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का निधन, राजकीय सम्मान के साथ गौर का अंतिम संस्कार। इंदौर से डराती हुई दो तस्वीरें, कहीं पुलिस तो कहीं सामने आई नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी। कांग्रेस के मंत्री का बेतुका बयान, भगवान राम भी नहीं कर पाएंगे समस्याओं का समाधान। और फिर सामने आए मिट्टी बाबा, कहा दिग्विजय सिंह और सिंधिया ईवीएम के कारण हारे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम गायब हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किल बढ़ गई है। अदालत से भी उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 23 तारीख को सुनवाई होगी। इससे पहले चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल इस मामले में राहत की याचिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज के पास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज रमन्ना के सामने याचिका लगाते हुए अपील की कि उन्हें हाईकोर्ट से वक्त नहीं दिया गया, ऐसे में उन्हें थोड़ी मोहलत दी जाए, लेकिन जस्टिस रमन्ना ने कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। सिब्बल अपील करते रहे कि इस मामले में फिलहाल गिरफ्तारी पर ही रोक लगा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद अब चिदंबरम की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने अब चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल की है कि चिदंबरम की याचिका पर कोई भी फैसला सुनने से पहले प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष भी सुना जाए। बुधवार सुबह एक बार फिर सीबीआई की टीम चिदंबरम के निवास पर पहुंची, लेकिन वे नहीं मिले। मंगलवार को उनके आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम को जब चिदंबरम घर पर नहीं मिले थे तो टीम ने उनके घर पर नोटिस चस्पा कर 2 घंटे में पेश होने के लिए कहा था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का बुधवार सुबह भोपाल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था। मंगलवार को उनकी हालत और भी बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर कम होने के साथ पल्स रेट भी गिर गया था। उनके निधन के बाद भाजपा में शोक की लहर छा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का सुभाष नगर विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पार्थिव देह के सामने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके पहले दोपहर 12 बजे भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया। पूर्व सीएम के निधन पर आज मध्य प्रदेश में आधे दिन का अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। बाबूलाल गौर जी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं थे, एक समाज सेवक थे। इतना प्यार और विश्वास खुद को इतने साल मध्य प्रदेश में मिला, खास करके भोपाल में मिला, शायद ऐसा कोई नेता भोपाल का नहीं हुआ। मेरे निजी संबंध थे बाबूलाल गौर जी से। मैं जब वाणिज्य मंत्री था उस समय अपनी डेलीगेशन में मैं बाबूलाल गौर जी के साथ विदेश भी गया। बाबूलाल गौर जी आज नहीं रहे, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परिवार को शांति दें और उनकी आत्मा को शांति। मजदूर से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने अपने परिश्रम के बल पर तय किया था। वो शून्य से शिखर पर पहुंचे। जो दायित्व दिया उसका निर्वाह पूरी कुशलता के साथ किया। भोपाल को उन्होंने आधुनिक स्वरूप दिया। ये VIP रोड बनाना और अतिक्रमण हटाना ये गौर जी के जीवन की ही बात थी। ऐसे नेता, हमारे प्रिय साथी, हमारे वरिष्ठ जिनके साथ में जेल में भी रहा, आज नहीं रहे, उनके जाने से मध्य प्रदेश के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है उसे हम कभी भर नहीं पाएंगे। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। उनके किए गए कार्य हमें राह दिखाते रहे।
बाबूलाल गौर की मौत की खबर मिलते ही नेता कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जयवर्धन सिंह, गोविंद सिंह के अलावा तमाम सारे नेता, अधिकारी और तमाम उनको चाहने वाले लोग उनके घर पर पहुंचे। गौर पिछले 15 दिन से नर्मदा अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि गौर की किडनी पूरी तरह काम नहीं कर पा रही थी। इससे पहले दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। ये बड़ा खालीपन महसूस हो रहा था, एक अलहड़ राजनीतिक, मस्तमौला राजनीतिक, एक सख्त राजनीतिक, कुशल प्रशासक, समर्पित और सादा जीवन जीने वाले प्रशासक के रूप में गौर जी हमेशा याद किए जाते हैं। बहुत ही लोकप्रिय, ऐसी लोकप्रियता दुर्लभ होती है। कई लोग गौर जी ऐसे ही निराले व्यक्तित्व थे, इतने ही बड़े पद पर क्यों नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। एक जमीन से जुड़े हुए राजनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और आजकल के राजनीतिक लोग को उनसे शिक्षा भी लेना चाहिए, सीखना भी चाहिए। परिवार क्लास में आने के बाद पराजय नेता बनकर उन्होंने उसको बुलाया नहीं जा सकता। आज मैं दुखी मन से आदरणीय बाबूलाल गौर के चरणों में नमन करती हूँ। बार ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ गौर साहब के आत्मा को शांति प्रदान करें और इस परिवार को दिल्ली से इलाज करवाकर गौर पिछले महीने की 27 तारीख को भोपाल लौटे थे। बाबूलाल गौर का जन्म 2 जून 1930 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नागौरी गांव में हुआ था। एक मजदूर नेता के तौर पर उन्होंने भोपाल में अपनी छवि बनाई और इसके बाद जनसंघ के सदस्य बनकर आगे बढ़े। अगस्त 2004 में उन्होंने उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला और 29 नवंबर 2005 को ये पद छोड़ा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वे नगरीय निकाय मंत्री रहे। 1977 से 2013 तक वे भोपाल की गोविंद प्रासूट से विधायक रहे। गौर के निधन पर तमाम राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। एक युग का अंत हुआ है और उनके जीवन से सीखने लायक है आज के सभी कार्यकर्ताओं। आज जो हम भोपाल का स्वरूप देख रहे हैं, भोपाल जब तक रहेगा तब तक बाबूलाल जी गौर अमर रहेंगे। इस भोपाल को बनाने में और इस भोपाल के निर्माण में, इस भोपाल की सुंदरता देने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही। आज हमारे बीच जो शोक प्रातः चले गए और ये दुखद घटना है, पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मैं उनके चरणों में, उनके घर पर सारे शोक संत परिवार के बीच में हम सब लोग खड़े हैं। मैं इस बात दायित्व देता है कि राजनीतिज्ञों का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, वो सबसे बातचीत करके किसी भी समस्या का समाधान निकले, इस बात के पक्षधर रहे, भोपाल खूबसूरत बने, भोपाल तरक्की करे, ये उनके मन में हमेशा भावना रही। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए भोपाल के नेशनल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कैलाश जोशी बीजेपी की राजनीति में अपनी साफ गोई और सादगी के लिए जाने जाते हैं। अटल आडवाणी युग के नेता कैलाश जोशी ने मध्य प्रदेश के मालवा से अपनी राजनीति की शुरुआत की और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका पिछले लंबे अरसे से स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन जी, आपसे निवेदन है, इस खबर को जरूर देखिए। हमारा दावा है इसे देखकर आपको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन यह समझ में आ जाएगा कि आप जिन पुलिस वालों को सुधारना चाहते हैं वे सुधरने के बजाय आपकी सरकार की बदनामी का सबब जरूर बन रहे हैं। आपकी पुलिस लोगों को गालियां तो देती ही है, फरियादियों को उठाकर हवालात में भी डाल देती है। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, जब आपके महकमे के इस पुलिस वाले का यह वीडियो वायरल हुआ तो पता चला एमपी पुलिस के लोग पुलिस स्टेशनों में बैठकर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग पिटने के बाद अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां इन साहब ने जमकर इन लोगों का स्वागत किया। पहले थप्पड़ मारे फिर लाते हैं, गजब अंदाज है बाला बच्चन जी आपकी पुलिस का। इससे भी जब इनका मन नहीं भरा तो एक और फरियादी से पूछा कहां लगी है, उसने बताया तो उसे गालियां मिली और फिर हवालात। अरे बाला बच्चन जी, इनकी उच्च स्तरीय गालियां तो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते, लेकिन ये जरूर बताना चाहते हैं इस वीडियो में जो फरियादी महिलाएं हैं आपकी पुलिस उनके साथ भी गाली देकर और बदतमीजी से पेश आ रही है।
कुछ दृश्य और इन महाशय की सुमधुर वाणी आप भी सुन लीजिए। तो तेरी भी जरूरत मुंह हो रही है दादा से तेरे को छवि छड़ी और बता तू भी मैं तेरे खिलाफ मुकदमा कायम करके अभी बात बंद कर दूंगा समझी। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, ये पलासिया का वीडियो है, बाकी जगह के हाल भी लगभग ऐसे ही हैं। आपकी सरकार और आपने कहा था कि पुलिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस की सरकार में देखने को मिलेगा। क्या आप पुलिस में यही बदलाव चाहते थे, जहां फरियादी के हिस्से में हवालात और पुलिस की गालियां, थप्पड़ और लातें आए? अगर नहीं तो फिर ये सब क्या है? मंत्री जी, समय रहते ध्यान दे लीजिए, ऐसा ना हो कि लोग भविष्य में इन सभी के कारणों से आपकी सरकार से नाराज हो जाएं और आपके मन में भी ये कसक रह जाए कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने काम से ज्यादा कुछ तो भी बोलने के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। गोविंद राजपूत ने कहा कि अगर भगवान राम भी एक बार अवतार ले लें तो भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा जहाँ लोग मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ भी अभी बहुत सारे काम बाकी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमेशा अपने बड़बोलेपन के कारण सुर्खियों में रहते हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री राजपूत कह रहे हैं कि भगवान राम भी अगर एक बार अवतार ले लें तो वो भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। जाहिर है जब कोई व्यक्ति लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता तो वो इसी तरह के ऊटपटांग उदाहरण देता है। इशारे इशारे में गोविंद राजपूत ने पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री तक सब पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जहां रहे वहां भी अभी बहुत काम होना बाकी है। सब कुछ तो अभी कहां हमारे मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के और भाजपा के जहां मुख्यमंत्री रहे उनके क्षेत्रों में भी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। हमेशा इस बात को हम बोलते हैं कि भगवान राम भी अगर एक बार अवतार ले लें तो वे समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। समस्या और काम इतनी है। गोविंद राजपूत पिछले दिनों सागर के सुर्खी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहां उन्होंने ये बयान दिया। गोविंद सिंह उन मुख्यमंत्रियों और नेताओं के नाम लेते जो समस्याओं का समाधान नहीं करवा पाते हैं तो ठीक रहता, लेकिन ऐसे में भगवान राम होते तो वे भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, ये कहना दर्शाता है कि गोविंद राजपूत भगवान राम को आज के नेताओं जैसा हल्का मानते हैं। लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की जीत के लिए मिर्ची यज्ञ करने तथा समाधि लेने की बात कर एक बार अपनी किरकिरी करवा चुके मिर्ची बाबा स्वामी वैराग्यनंद ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया की हार में ईवीएम मशीन में बड़ी गड़बड़ी की गई थी जिसका पुख्ता सबूत उनके पास है और समय आने पर उसको उजागर किया जाएगा। उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत नरेंद्र गिरी और उनके सहयोगियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर मिर्ची बाबा सुर्खियों में। स्वामी वैराग्यानंद मिर्ची बाबा ने ईवीएम मशीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मिर्ची बाबा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का मुख्य कारण ईवीएम की गड़बड़ी रही जिसके पुख्ता प्रमाण उनके पास हैं और समय आने पर वे उन्हें उजागर करेंगे। नरेंद्र गिरी के लोगों का लगभग 50 लोगों के ऐसे कॉल हैं जो प्रमाण करते हैं कि नरेंद्र गिरी के लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने अभी तक जो कार्रवाई कराई है उस कार्रवाई में नरेंद्र गिरी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। दिग्विजय सिंह का हारना, ज्योतिराज सिंधिया का हारना, ये हारना इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं 100% मशीनों में बेईमानी हुई। मिर्ची बाबा ने बताया कि लगभग 5,500 से ज्यादा जान से मारने की धमकियां उन्हें प्राप्त हुई हैं और 70 सीडीओ में प्रशासन को उन्होंने शिकायत के साथ धमकियों की रिकॉर्डिंग सौंपी है। मिर्ची बाबा ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत नरेंद्र गिरी उनके सहयोगियों पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक तहसील में दो एसडीएम के दावे ने कार्यालय में कर्मचारी सहित लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। आम जनता को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने नियमित काम कराने किस अधिकारी के पास जाएं। इस मामले में आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे, इसमें प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हुई है। छतरपुर जिला मुख्यालय में एसडीएम को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। हाल ही में छतरपुर से स्थानांतरित हुए एसडीएम अनिल सपकाले ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर और एक नोटिस तहसील कार्यालय पर जाकर चस्पा कर दिया, जिसमें साबित करने का प्रयास किया गया है कि छतरपुर के असली एसडीएम वही हैं। गौरतलब है कि तत्कालीन एसडीएम अनिल सपकाले का 25 जुलाई को स्थानांतरण हो गया था, जिस पर वह हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए। फिलहाल अभी डीपी द्विवेदी छतरपुर एसडीएम का कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन पूर्व एसडीएम अनिल सपकाले के छतरपुर तहसील में नोटिस चस्पा करने के बाद छतरपुर एसडीएम का पद विवाद की श्रेणी में आ गया है। न्यायालय से ट्रांसफर ऑर्डर के विरुद्ध स्टे लेकर आए हैं, बस काम करना है और छतरपुर के लिए अच्छा काम करना है। कलेक्टर साहब उनको निर्देशित कर देंगे, शीघ्रता शीघ्र उनको सीट पे से हटना होगा। वो एक सूचना थी कि जो है न्यायालय से हमें स्टे प्राप्त हुआ है और ऐसी स्थिति में वास्तविक जो एसडीएम छतरपुर के रूप में नहीं। प्रशासनिक असमंजस के चलते आम जनता में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि वह अपने नियमित काम कराने के लिए किस अधिकारी के पास जाकर अपनी गुहार लगाएं। छतरपुर तहसील में दो एसडीएम होने से आम जनता में भ्रम की स्थिति बन गई है। इस बारे में जब आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वे कुछ भी कहने से बचते नजर आए। ग्वालियर में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सत्संग में जा रही महिला के गले से सोने की चैन छीन ली। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के चावड़ी बाजार में बाइक सवार दो लुटेरों ने महिला के गले से चैन छीन ली। घटना के बाद महिला ने 100 नंबर पर चैन स्नेचिंग की जानकारी दी। दोनों आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। ये घटना जनगंज थाना क्षेत्र की है, जहां सत्संग में जा रही महिला के गले से दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने चैन लूट ली। महिला के मुताबिक बदमाश काली पल्सर पर सवार होकर आए थे और एक बदमाश ने पीली और दूसरे ने नीली शर्ट पहनी हुई थी। महिला ने बताया कि एक बदमाश ने पीछे से उनके गले से मंगलसूत्र छीना तो उन्होंने मंगलसूत्र पकड़ लिया, जिससे बदमाश आधा मंगलसूत्र और चैन लेकर भाग गया और फिर आगे जा रही बाइक पे सवार हो गया। बाइक पे था, पीली शर्ट पहना था, वो भाग गया। दो थे, ब्लैक कलर की गाड़ी थी, पल्सर थी, वो एक लड़का ब्लू कलर की शर्ट पहना था, 1.5 तोला का। मैंने कंप्लेंट डाल दी, 100 नंबर लगा लिया, हल्के साल पुलिस आ गई थी, मतलब तभी कार्रवाई चली रही। चैन खींचे जाने के बाद तुरंत महिला ने 100 नंबर पर फोन किया, जिससे तुरंत पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चैन स्नेचर की तलाश शुरू कर दी है। थाने से मुझे सूचना मिली तो मैं सीधा घर से आ रहा था, देरी आ गया और फुटेज निकलवा रहा हूँ। इनके आधी चैन तोड़ ले गए, मंगलसूत्र हाथ में रह गया, पकड़ लिया मैडम ने। अब फुटेज ले लिए हैं, देखते हैं आपका। दो दिख रहे हैं बदमाश, पल्सर गाड़ी उन पे, नंबर थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, शकल तो आ गई। भोपाल के कोही फिजा में क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर देह व्यापार में लिप्त 3 विदेशी युवतियों सहित एक दलाल और 2 ग्राहक को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने बीडीए कॉलोनी में दबिश दी। पकड़ी गई लड़कियों में एक नेपाल और 2 उज्बेकिस्तान की हैं। ये 3 लड़कियां टूरिस्ट वीजा पर भारत आई हुई थी।
विदेशी लड़कियों के टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर देव व्यापार के धंधे में लिप्त होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा एक मामला भोपाल में सामने आया जहां क्राइम ब्रांच ने देव व्यापार में लिप्त 3 विदेशी युवतियों को गिरफ्तार किया है। युवतियों के साथ 1 दलाल और 2 ग्राहकों को भी पकड़ा गया। मुखबिर की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कोई फिजा इलाके की बीडीए कॉलोनी में दबिश दी, जिसके बाद यहां से एक मकान से 3 युवतियों समेत 6 लोगों को पकड़ा गया। घर आरोपी जॉन मसी का बताया जा रहा है। जॉन मसी लंबे समय से अपने घर से देव व्यापार के अड्डे को संचालित कर रहा था। आरोपी सुयोग जैन अशोक नगर का रहने वाला है, जबकि ग्राहक कपिल पटेल इंदौर का निवासी है। पकड़ी गई लड़कियों में से 1 नेपाल और 2 उज्बेकिस्तान की हैं। ये तीनों लड़कियां टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जानकारी विदेश मंत्रालय को भेज दी है। इंदौर नगर निगम की रिमूवल गैंग गुंडा गैंग में तब्दील हो गई है। ये लोगों को धमकाती है, उनके साथ अभद्रता करती है और जब कोई इनसे बातचीत करना चाहे तो ये उन्हें मारती है। इस गैंग का एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है जो बताता है कि इंदौर की सड़कों पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इंदौर नगर निगम की रिमूवल गैंग का MR10 इलाके में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें नगर निगम के कर्मचारियों ने लाठियों से एक महिला की पिटाई की। नगर निगम के ये गुंडे महिला को मारते हुए खुद को मर्द साबित करना चाह रहे थे। इस महिला की जो भी मदद करने आया नगर निगम के इन गुंडों ने उसकी जमकर पिटाई की। नगर निगम की ये रिमूवल गैंग यहाँ ठेला चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इस महिला ने जब उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो गैंग के गुंडों को बुरा लगा और उसके बाद वो सब लठ लेकर महिला पर पिल पड़े। इस गैंग में शामिल इन लोगों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया और लोगों को मारा। ऐसा लग रहा था कि इंदौर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पहली ही बारिश में नहर लाइनिंग धंसने से अल्प वर्षा की मार झेल रहे खेत सूखने की कगार पर आ गए हैं। 50 लाख रुपए की खर्च कर कराया गया नहर लाइनिंग का कार्य कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गया। नहर धंसने से ठेकेदार और प्रशासन दोनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। जांजगीर चांपा में पहली बारिश में लाखों की नहर लाइनिंग धंस गई, जिसके चलते इस बार किसानों को नहर से पानी नहीं मिल पाएगा। अल वर्षा की मार झेलने वाले बलौदा क्षेत्र के किसानों को इस बार ना उम्मीदों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में कराए गए नहर लाइनिंग का काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के रसोटा नहर लाइनिंग में ठेकेदार ने इतना खराब काम किया कि पहली बारिश में पानी भरते ही नहर इसको झेल नहीं पाई और पूरी तरह से धंस गई। जबकि बीते वर्ष शासन ने नहर लाइनिंग के नाम पर 50 लाख रुपए खर्च किए थे। अब इस माइनर नहर से किसानों को एक और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा तो वहीं दूसरी ओर हजारों एकड़ धान की फसल सूखे की चपेट में आ जाएगी, क्योंकि किसान पहले ही अल्पवर्षा की मार झेल रहे हैं और खेत सूखने की कगार पे हैं। गौरतलब है कि सिंचाई विभाग ठेकेदारों के लिए मलाई वाला विभाग बना हुआ है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदारों में इस कदर होड़ मची है कि वह पहले तो काफी कम दरों में टेंडर ले लेते हैं, बाद में मुनाफा कमाने के फेर में घटिया निर्माण कर देते हैं। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश सरकारी अस्पतालों की पोल खोल रही है। हरदा में बारिश के चलते अस्पताल के वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में पानी भर गया, जिससे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से पानी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया और मरीजों के ऑपरेशन तक रोकना पड़ गए। हरदा में हुई तेज बारिश के चलते जिला अस्पताल में पानी भर गया, जिससे अस्पताल में आए मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अस्पताल के वार्डों सहित ऑपरेशन थिएटर में भी पानी भर गया, जिसके चलते प्रसूता महिलाओं को ऑपरेशन रोकना पड़े। इसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ देखने को मिली। अस्पताल में भरे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वार्डों में बारिश का पानी भरने से वार्डों में मरीजों को देखने लायक हालात नहीं बचे थे। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया। वहीं मरीजों के साथ परिजनों को भी डर सता रहा है कि ऐसे स्थिति में उनके अपनों की हालत खराब होगी तो वो क्या करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल का प्रतीक चिन्ह और शाल श्रीफल से सम्मान किया। इस अवसर पर पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। देश की आजादी में अपनी भागीदारी निभाने वाले राजनांदगांव शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल के जीवन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। भूपेश बघेल ने आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल को प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान देशभक्ति नृत्य गीत पेश किए गए। कलाओं को जीवन समर्पण करने वाले नाचा के पुरोधा प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के मुख्य पात्र पद्मश्री स्वर्गीय गोविंद राम निर्मलकर की प्रतिमा का ऑडिटोरियम परिसर में अनावरण भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
धार में एक बार फिर स्कूल प्रबंधन का लापरवाह रवैया सामने आया है। दो मासूम बच्चियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। बच्चियों ने चिट्ठी में लिखा कि हमें नेपाली होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। हद तो तब हो गई जब प्रबंधन ने दोनों मासूम बहनों को कुरियर से टीसी भेज दी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो स्कूल प्रबंधन बचता नजर आया। भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से ही अच्छे माने जाते रहे। दोनों देशों के बीच बेहतर सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते कायम है। लेकिन धार में दो मासूम बहनों को स्कूल ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह नेपाली हैं। बच्चियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मदद मांगी है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और अब स्कूल प्रबंधन अपनी करनी से बचता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि एमिनेट पब्लिक स्कूल में दो नेपाली बहनें अवनीशा खड़का और अनुष्का खड़का नर्सरी में पढ़ती थी, लेकिन यहाँ इनके साथ अन्य बच्चे और शिक्षकों के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। बच्चियों ने बताया कि उन्हें स्कूल में नेपाली नेपाली कहकर चढ़ाया जाता है। जब स्कूल के शिक्षकों से इनके माता पिता ने शिकायत की तो शिक्षकों और पेरेंट्स के बीच इस बात पर तूती मैमे हो गई और उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने दोनों बच्चियों को कुरियर से टीसी भेज दी। वहीं इस पूरे मामले में जब स्कूल के प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने छात्राओं के पेरेंट्स पर ही अभद्रता करने के आरोप लगा दिए और उन्होंने अब छात्राओं को दोबारा प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। वहीं जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मंगेश व्यास से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि ऐसे मामले में कोई भी स्कूल बच्चों को टीसी देकर निकाल नहीं सकता। उन्होंने इस मामले की जांच करने की बात कही और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.